रामपुर में मोहम्मद आजम खान को समाजवादी पार्टी की ओर से रामपुर का प्रत्याशी चुने जाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। दूसरी ओर अब्दुल्ला आजम ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, क्योंकि गुजरे हुए दिनों में जो रामपुर में हालात रहे, ये जिस तरीके से भी जिला के अफसरान ने या प्रशासन ने यहाँ के लोगों के साथ, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जिस तरीके से शादी करी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, उर्दू गेट को गिराया, आरपीएस को जिस जबरन तरीके से गैर कानूनी तरीके से खाली कराया गया, उसके बाद पूरी रामपुर की जिला इकाई ने समाजवादी पार्टी के और बहुत जिम्मेदार लोगों ने इस बात का ऐलान किया था कि रामपुर और रामपुर की समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। लेकिन आज सुबह करीबन 10:15 बजे समाजवादी पार्टी की तरफ से दो नाम घोषित हुए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब का और दूसरा नाम आली जनाब अहमद आजम खान साहब, और ये अपील की अखिलेश जी ने भी और पूरी पार्टी ने ये अपील की कि इन जातियों से डरना नहीं है बल्कि इनका डटकर मुकाबला करना है और चुनाव का बहिष्कार करके ये जंग नहीं जीती जा सकती। अगर हमें इन ताकतों का, इन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करना है तो हमें जनता के सामने चुनाव में जाना है। उन्होंने यहाँ के लोगों से भी अपील करी और उनका ये फैसला भी था जो आज सुबह आपने टीवी पर देखा। उनके इस फैसले के बाद शहर के, जिले के, देहात के तमाम जिम्मेदारान को बुलाकर जिनके साथ ही बैठकर फैसला लिया गया था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, उन तमाम लोगों को बुलाकर राय ली गई और उस राय लेने के बाद उन तमाम लोगों ने इस बात का फैसला किया और अपना समर्थन दिया कि हम 23 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे बल्कि पूरी ताकत के साथ आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत बड़े अंतर से हराएंगे।